Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss today in this lecture wagering agreements or agreements by way of wager. Section 30 of Indian Contract Act doesn't define the wagering agreement. It only state the result of wagering agreement. Section 30 provides agreements by way of wager and void. कहने का मतलब है कि सेक्शन जो है 30 परिभाषा नहीं बताती, केवल परिणाम बताती है. जस्टिस हॉकिंस ने कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबाल कंपनी के केस में बाजी लगाने की संविदा को एक ऐसी संविदा बताया था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी एक फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट में अपोजिट व्यू रखने वाले ये तय करते हैं कि उस घटना के डिफिनिट हो जाने पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से या तो कुछ मनी जीतेगी या कोई चीज या वस्तु जीतेगी. जस्टिस सुब्बा राव ने घेरूलाल और जस्टिस महादेव के केस में जो है कहा था कि जो है कि बाजी लगाने की संविदा एक ऐसा प्रॉमिज है जिसके द्वारा एक अनसर्टेन इवेंट के सर्टेन होने पर कुछ धन या धन की जगह पर कुछ वस्तुएं देने का एग्रीमेंट किया जाता है. कहने का मतलब है कि लिटरल मीनिंग तो यह है वेजरिंग एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट इन विच वन पर्सन एग्रीज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जिसको हम स्टेक मनी कहते हैं, टू द अदर पर्सन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट. मेसर्स राजश्री सुगर एंड केमिकल लिमिटेड एक्सिस बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक लिमिटेड एंड अदर्स के केस में 2011 का केस है मद्रास हाईकोर्ट का. उन्होंने कहा किसी भी एग्रीमेंट को यदि वेजरिंग नेचर का बताना है तो तीन बातें प्रूव करनी होंगी. दो व्यक्ति जो है अपोजिट थार्थ विरोधी विचारधारा भविष्यकालीन फ्यूचर की इवेंट के बारे में रखते हो, यानी जहां पर जो है किसी फ्यूचर की इवेंट के बारे में उसके घटने या न घटने के बारे में दो लोगों का अपोजिट व्यू हो दोनों पार्टियों का. सेकेंड यह है इवेंट के डिफिनिट हो जाने पर घटना के घट जाने पर एक पार्टी की हार होगी दूसरी की जीत होगी. तीसरा यह है दोनों पार्टी का घटना या घटने में कोई इंटरेस्ट ना हो, केवल जो है स्टेक मनी प्राप्त करने का उद्देश्य हो, जीतने का जो है उद्देश्य हो. तो इस हिसाब से हमें देखें तो बाजी संविदा के जो इसेंशियल्स हैं वो हो सकते हैं. पहला है पक्षकारों जो पार्टीज हैं उन्होंने अनसर्टेन इवेंट के बारे में कोई एग्रीमेंट किया हो. जो एग्रीमेंट की पार्टीज हैं उन्होंने अनसर्टेन इवेंट के बारे में कोई करार किया हो, कोई एग्रीमेंट किया हो. घटना के घटने पर
घटना के घट जाने पर या निश्चित हो जाने पर इक्वल पॉसिबिलिटी दोनों पार्टीज की हो, हार भी सकते हैं जीत सकते हैं, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, विन और लूज। थर्ड है घटना के घटने में कोई दूसरा इंटरेस्ट न हो हारने जीतने के अलावा, देयर इज नो द पार्टीज हैव मस्ट हैव नॉट एनी अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। एंड लास्ट है द पार्टीज मस्ट नॉट हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, घटना पर किसी पार्टी का नियंत्रण न हो और घटने पर हारने वाली पार्टी ने जीतने वाली पार्टी को कोई धन या कोई चीज देने के लिए प्रामित किया हो। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में मैच होने वाला है या हो रहा है, शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है, आपका कहना है कि पाकिस्तान जीतेगा और हमारा कहना है इंडिया जीतेगी, तो हमारा कहना सही होगा यदि इंडिया जीतेगी तो आप हमको 5 लाख रुपया देंगे, यदि पाकिस्तान जीतेगा आपका कहना सही होगा तो 5 लाख जो है हम आपको देंगे। ये वेजनिंग एग्रीमेंट है। पहला एसेंशियल है एग्रीमेंट अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड हो, अनिश्चित घटना पर आधारित हो, अनिश्चित घटना के बारे में किया गया हो। जनरली जो है अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर की होती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, लेकिन पास्ट की जो है भी हो सकती है। पास्ट की इस तरीके से होती, जैसे आपको यह पता नहीं है दोनों पक्षकारों को कि सती प्रथा कब अबॉलिश थी हुई थी, अकबर जो है कब सम्राट बना था, दोनों का व्यू अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में वेजनिंग एग्रीमेंट पास्ट का भी हो सकता है, सामान्यतया जो है प्रेजेंट का ही होता है। घटना जो है कोई भी पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की कई हो, कोई भी सकती। चेसार और फिफुट ने, चेसार और फिफुट की एक बुक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, उन्होंने कहा है कि जो वेजनिंग एग्रीमेंट है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कभी का भी हो सकता है। दूसरा है हार जीत की इक्वल पॉसिबिलिटी हो, देयर मस्ट बी म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। दूसरा एसेंशियल ये है कि दोनों पार्टीज के अंतर्गत जो है करार के अंतर्गत जीतने और हारने की इक्वल पॉसिबिलिटी हो, विनिंग और लूजिंग की इक्वल पॉसिबिलिटी हो। यदि किसी एग्रीमेंट में हार की संभावना नहीं होगी या जीत की संभावना नहीं होगी तो वो वेजनिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसी कारण से जो है वेजनिंग एग्रीमेंट नहीं माना था, क्योंकि इसमें न तो श्रीमती कार्लिन को हारने की संभावना थी न ही कंपनी को जीतने की। ये था कि जो भी व्यक्ति कंपनी द्वारा बताए गए ढंग से स्मोकबॉल नाम की दवा को यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, यदि होता है तो उसको 1,000 रुपया कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो ये हार जीत इसमें नहीं थी, दूसरी पार्टी को ही देना था यदि
वो बीमारी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, और निश्चित कारलिल को कुछ नहीं देना था, केवल दवाई यूज करनी थी। बाबा साहेब वर्सेज राजाराम AIR 1931 के केस में दो जो रेसलर्स थे, पहलवान थे, उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ और एक कुश्ती के लिए, रेसलिंग के लिए डे फिक्स किया और कहा कि यदि जो है कोई दोनों में से कोई पार्टी, कोई भी रेसलर एब्सेंट रहता है तो उसे 500 रुपया फाइन देना होगा। यदि कुश्ती होती है तो जीतने वाले को गेट मनी से 1125 रुपीज दिया जाएगा। एक जो है रेसलर पहलवान कुश्ती के दिन एब्सेंट रहा, नहीं आया। बताइए ये बाजी का करार है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें एक तो पहलवान को हारना नहीं था, दोनों पहलवानों को ये उसमें नहीं कहा गया था ये ऐसा नहीं होता है तो आपको इतना देना होगा, ये ऐसा होता है तो आपको ऐसा दूसरी पार्टी को देना होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। इक्वल पॉसिबिलिटी हारने जीतने की नहीं थी, तो ये जो है कहा गया कि ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। तीसरा है, नो द पार्टी मस्ट नॉट हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। पक्षकारों का घटना में हारने जीतने के अलावा कोई अन्य हित नहीं होना चाहिए। कोई एनी अदर इंटरेस्ट है, इसीलिए जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को बाजी की संविदा नहीं माना जाता है, जो है वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाता है। राक वर्सेस शार्ट के केस में लॉर्ड कैंपवेल ने कहा था कि जहां पार्टीज ने एक हार्स को, घोड़े को बेचने के करार में यह कंडीशन रखी हो किसी एक घटना के घटने पर कुछ मूल्य कुछ न होगा और दूसरी घटना के घटने पर 200 पाउंड होगा, ऐसा एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट माना जा गया, क्योंकि दोनों में था ऐसा यदि नहीं घटता है तो ये अमाउंट, ऐसा यदि घट जाता है तो ये अमाउंट। तो दोनों में जो है दृष्टिकोण, दो व्यू थे, अपोजिट व्यू थे, इसलिए जो है इसमें माना गया। अभी हम कह रहे थे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसी आधार पर जो है नहीं माने जाते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। सपोज कीजिए आपने अपना घर इंश्योर्ड कराया है 10 लाख में, तो इसमें जो है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं और हार जीत नहीं होती है, आपको जितना नुकसान आपका हुआ है उतना दिलाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं तो या कम नहीं दिलाया जाता, जितना भी जो है जितने का, तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है यदि घटना घटती है। एंड लास्ट नेक्स्ट है, पार्टीज मस्ट नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट। घटना पर के घटने में किसी पार्टीज का कोई जो है नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी जो है कि कंट्रोल में जैसा चाहे रिजल्ट बना दे, रिजल्ट निकाल दे उसका। इन दिस एसेंशियल, नाइदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द हैपनिंग ऑफ इवेंट वन वे आर द अदर। इफ आइदर पार्टी हैज द इवेंट इन हिज ओन हैंड्स द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी अ वेजर। मोहन और सोहन में जो है एक एग्रीमेंट होता है जिसमें मोहन सोहन से कहता है कि यदि सोहन राधेलाल की डॉटर के साथ मैरिज नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपया वो देगा। तो यहाँ पर जो है सोहन के कंट्रोल में है, वो शादी करे या न करे उसके कंट्रोल में घटना है, इसलिए वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। एंड लास्ट है, एग्रीमेंट मस्ट बी टू पे मनी आर मनीज वर्थ। अनसर्टेन इवेंट के बारे में जो
अपोजिट व्यू था, उसमें एग्रीमेंट में प्रोविजन होगा कि जो पार्टी जीतेगी उसको हारने वाली पार्टी इतना अमाउंट या कोई वस्तु या सामान देगी, ये भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। बोलते नहीं ठीक।